हेलो स्टूडेंट, नाउ पार्ट नंबर 6 ऑन पेज नंबर 68। येट आई रिमेंबर दैट व्हेन आई वाज इन लिलीपुर द लिटिल पीपल वर देयर ऑफन सेड हाउ अगली माय ओन स्किन वाज रफ कोर्स एंड इल कलर। उसे याद आया कि जब वह लिलीपुट की नगर में गया था, वहाँ पर जो छोटे छोटे लोग थे तो उन्होंने भी उसकी स्किन के बारे में कहा था कि उसकी स्किन कितनी रफ है, कितनी डिसकलर्ड है। सो परहैप्स दीज जायंट्स वर नॉट रियली बैड लुकिंग। उसने सोचा शायद ये जो बड़े लोग हैं ये ज़्यादा भद्दे नहीं दिखाई देते। बट ओनली सीम्स टू मी बिकॉज देवर सो लार्ज। उसने कहा कि शायद वो उसे ही दिखाई दे रहे हैं क्योंकि उनका जो साइज है वो बड़ा है। When dinner was finished, my master went out to his work. जब डिनर फिनिश हुआ तो मेरा मास्टर जो थे वो अपने काम पर चले गए। But before he went, लेकिन जाने से पहले ही gave his wife strict order to take care of me. उसने अपनी वाइफ को आदेश दिया कि वह उसका सतर्कता से ध्यान रखे। She saw that I was very tired. उसने देखा कि मैं बहुत थक गया हूँ। So she put me on her own bed and covered me with her handkerchief. इसलिए उसने मुझे अपने बेड पर लेटा दिया और मुझे अपने रुमाल से ढक दिया। Which was larger and coarser than a ship's sail. जो कि वो handkerchief इतना बड़ा और इतना मोटा था जितना कि ship की sail होती है। I slept for about 2 hours. मैं लगभग 2 घंटे के लिए सो गया and dreamed that I was at home again with my wife and children. और मैंने सपना देखा कि मैं घर वापस आ गया हूँ अपने बीवी और बच्चों के पास। I felt specially sorrowful therefore when I woke up to find myself alone in a room as big as a church. मुझे तब बहुत दुख हुआ जब मैं उठा और मैंने अपने आप को इतने बड़े रूम के अंदर जो कि चर्च जितना बड़ा था उसमें अकेले पाया। Lying in a bed as wide as a river. और एक नदी से भी चौड़े बेड के ऊपर अपने आप को अकेला पाया। एंड 8 yards हाई, और जो बेड था वो लगभग 8 yards की ऊंचाई पर था। वाई आई वॉज लाइंग देयर टू रेड स्क्रैप्ड अप द शीट। जब मैं वहाँ सो रहा था तो दो जो रेड थे वो शीट के ऊपर चढ़ गए एंड बिगन रनिंग ऑल ओवर द बेड, और पूरे बेड के ऊपर रनिंग करने लगे। देवर एज लार्ज एज बिग डॉग्स। वे लगभग बड़े जो डॉग्स थे उनके साइज जितने थे। बट मच फाइजर एंड क्विकर। लेकिन जल्दी ही डर कर आई हिड इन द शीट। मैं शीट के अंदर छिप गया। बट वन ऑफ देम फाउंड मी। लेकिन उनमें से एक ने मुझे ढूंढ निकाला। एंड देन आई हैड टू फाइट फॉर माई लाइफ। और उसके बाद मुझे अपने जीवन के लिए लड़ाई लड़नी पड़ी। गेटिंग टू माई फीट आई ड्रू माई स्वॉर्ड एंड अटैक द फर्स्ट रेड। मैंने फटाफट अपने पैर पीछे करते हुए अपनी तलवार निकाली और फर्स्ट जो रेड था उस पर अटैक किया था। अदर केम अप बिहाइंड मी, और दूसरा मेरे पीछे आ गया। एंड आई वॉज इन ग्रेट डेंजर, और मैं लगभग बहुत बड़े खतरे में था बिटवीन दैम उन दोनों के बीच। बट फॉर्चुनेटली, लेकिन अचानक से आई वॉज एबल टू किल द वन इन फ्रंट ऑफ मी। उनमें से मैं एक को अपने सामने मारने में सक्षम हो गया। एंड द अदर रैन ऑफ इन फ्राइट, और जो दूसरा था वो डरकर भाग गया। सून आफ्टर माई मिस्ट्रेस केम इन टू द रूम एंड सींग मी कवर्ड विद ब्लड। जल्दी ही मेरी मिस्ट्रेस कमरे में आई और उन्होंने मुझे ब्लड से कवर्ड देखा। शी रैन टू पिक मी अप। वह मुझे पकड़ने के लिए दौड़ी। आई प्राउडली शो हर द रेड एंड शी वॉज रिलीव्ड टू फाइंड दैट आई माई सेल्फ वॉज नॉट हर। मैंने उन्हें प्राउड फील करते हुए गर्व के साथ मैंने उनको रेड दिखाया और उन्होंने पाया कि मुझे चोट नहीं लगी है। सो आई सर्वाइव वन मोर डेंजर। इसलिए मैंने एक और खतरे को मोल लिया एंड इंक्रीज द रिस्पेक्ट ऑफ माय मास्टर एंड मिस्ट्रेस फॉर मी। और मैंने अपने लिए अपने मास्टर और मिस्ट्रेस की जो रिस्पेक्ट थी उसको बढ़ाया। बस ये था आपका चैप्टर जो कि हमने 6 पार्ट के अंदर डिवाइड किया था। थैंक यू।